नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम भरवा बैंगन बनाएंगे, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो आइए भरवा बैंगन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 300 ग्राम बैंगन लिए हैं और ये 8-9 बैंगन हैं। भरवा बैंगन बनाने के लिए छोटे आकार के बैंगन लिए जाते हैं। 3-4 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल की जगह कोई भी कुकिंग ऑयल लिया जा सकता है। 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच सौंफ पाउडर और 2 हरी मिर्च जो हमने बारीक काट लिए हैं, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो कद्दूकस कर लिया है, 1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। सबसे पहले हम ये सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं। तो कोई भी एक प्लेट ले लेंगे, उसमें हम सारे मसाले डाल लेंगे। धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक, हरी मिर्च, नमक और अमचूर पाउडर। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिलने तक मिला लेते हैं। ये सारे मसाले हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब हम बैंगन को काट कर मसाले को बैंगन में भरेंगे। तो सबसे पहले तो हम काट करके इनका डंठल हटा देंगे और बैंगन को ऊपर से 4 भाग करते हुए इस तरीके से काटेंगे कि बैंगन नीचे की ओर से जुड़ा रहे, इस तरीके से। तो सारे बैंगन को हम इस तरीके से काट करके पहले तैयार कर लेते हैं। हमने ये बैंगन पहले इसे धो करके सुखा लिए हैं। ये बैंगन हमने काट कर तैयार कर लिए और अब हम इनमें मसाला भरते हैं। तो मसाला भरने के लिए इस तरीके से हम बैंगन को थोड़ा सा खोल लेंगे और चम्मच से इसके अंदर मसाला डालेंगे। और इस तरीके से बैंगन को दबा करके रख देंगे। तो सारे बैंगन हम इसी तरीके से भरकर तैयार करेंगे। सारे बैंगन हमने मसाला भरकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें बनाते हैं। पैन गरम कर लेते हैं और पैन में तेल डाल देंगे। तेल गरम होने पर जीरा डाल देंगे। जीरा भुनने पर हींग डालेंगे। और अब हम ये बैंगन इसमें पकने के लिए लगा देंगे। तो सिंगल लेयर लगाते हुए हम ये बैंगन लगा देंगे। ये बचा हुआ मसाला भी हम बैंगन के ऊपर ही डाल देंगे। और बैंगन को ढक करके 4-5 मिनट तक धीमी आग पर पकने देंगे। इसके बाद चेक करेंगे। पांच मिनट हो गए हैं, हम अपने बैंगन चेक कर लेते हैं। बैंगन को हम पलट देते हैं। बैंगन निचली साइड से सिक गए हैं।
ये सारे बैगन हमने पलट दिए और इन्हें हम फिर से ढक कर के 5 मिनट धीमी आग पर ही पकने देते हैं। इसके बाद चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, बैगन चेक कर लेते हैं। पलट के दूसरी साइड कर देते हैं, जिस साइड बैगन हमें लग रहा है कि नहीं पके हैं वो साइड हम नीचे की ओर कर देते हैं। और अब हम बैगन को 3 मिनट के लिए ढक देते हैं और फिर चेक करते हैं। दो तीन मिनट हो गए हैं, हम अपने बैगन चेक कर लेते हैं। हमारे बैगन भी बनकर तैयार हो गए हैं। ये हम कलछी से दबा कर देख रहे हैं, बैगन बिल्कुल नरम है। तो गैस बंद कर देते हैं और बैगन को प्याले में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके हम बैगन की गार्निश कर देते हैं। भरवा बैगन बन करके तैयार हैं। बहुत ही अच्छे भरवा बैगन बने हैं। भरवा सब्जियों में थोड़े से तेल मसाले ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इनका स्वाद एकदम अलग और बहुत अच्छा होता है। तो कभी कभी तो हम ये भरवा सब्जियां बना करके खा ही सकते हैं। और इतने भरवा बैगन परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त हैं। भरवा बैगन को चपाती, पराठे, चावल किसी के भी साथ में सर्व कर सकते हैं। आप ये भरवा बैगन बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।